गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द कैंसर टॉपिक, द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर बाय फॉलोइंग वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अवॉइड टोबैको स्मोकिंग। इट मीन्स हमें जो ये जो तंबाकू या टोबैको जो प्रोडक्ट आते हैं उनको चबाना और स्मोकिंग करना दोनों ही छोड़ना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। तो अवॉइड करके अपन इसको कैंसर से बच सकते हैं। सेकंड, अवॉइड एक्सपोजर ऑफ स्किन टू रेडिएशंस। रेडिएशंस जो है हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स को एक्टिवेट कर देती हैं, तो रेडिएशन से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें रेडिएशन को। जैसे बार बार एक्सरे सोनोग्राफी सेंटर्स जो है जहाँ पर इस तरह के एक्सरे या सोनोग्राफी किए जाते हैं, तो उन एरियाज में हमको जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही जाए, तो रेडिएशन से अपने आप को बचा के रखें। थर्ड देखें अपन, प्रोटेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट टॉक्सिक पॉल्यूटेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज में वर्क करने वाले हैं या इंडस्ट्रियल एरिया में जो रहने वाले हैं उनको वहाँ जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं उनसे भी अपनी बॉडी को बचा के रखना होगा। फोर्थ देखें तो अवॉइड द रेगुलर कॉन्टैक्ट विद फिजिकल एजेंट्स। तो इसमें अपने फिजिकल जो एजेंट्स देखें, जिसमें हमने देखा कि जो हाई टेम्परेचर है, ठीक है, इसमें इसके अलावा जो फ्रिक्शन है, इस तरह के फिजिकल एजेंट से भी हमको हमारी बॉडी को बचा के रखना होगा, तो हम कैंसर से बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन में जो मेन फोर पॉइंट्स अपन ने देखे, तो टोबैको स्मोकिंग से बचना है, दूसरा स्किन को रेडिएशन से बचाना है, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट से बच के रहना है, और फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी हमको बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कैंसर से अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आगे अगर हम देखें कि ये तो हो गया इसका प्रिवेंशन, बट अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो कैंसर के जो मेनली जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो फाइव प्रोसीजर अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो पांच तरह से अपन कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर बॉडी में कहीं पर कोई ट्यूमर है तो उसको ऑपरेट करके निकलवाना पड़ेगा। इट मीन्स सबसे पहला जो मेथड है उसमें ऑपरेशन कराना पड़ता है, ऑपरेशन के थ्रू उस ट्यूमर को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो फर्स्ट जो इसका ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है, सबसे पहले उसका ऑपरेशन, यानी कि ट्यूमर जो है उस ट्यूमर को बॉडी से आउट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया फर्स्ट ऑपरेशन। सेकंड, अब जब बॉडी से ट्यूमर को निकाल दिया गया है तो वहाँ पर कुछ कैंसर सेल्स रह जाती है अंदर, उनको किल करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आयनाइजिंग रेडिएशंस का एक्सपोजर दिया जाता है अफेक्टेड एरिया पर, जिसमें हम जो रेडिएशन यूज में लेते हैं एक्सरेज, ठीक है, एंड कोबाल्ट 60 रेज, गामा रेज, इस तरह की जो रेडिएशंस हैं इनसे हम कैंसर सेल्स को किल कर देते हैं। और ये वाली जो थेरेपी है ट्रीटमेंट की, इसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं। तो रेडियोथेरेपी में हम कैंसर सेल्स को एक तरह से पूरी तरह से बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसमें उसके आसपास की जो सेल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय होती है। तो ये सेकेंड मेथड हो गया ट्रीटमेंट का, रेडियोथेरेपी। देन थर्ड जो मेथड है वो है कीमोथेरेपी। इसमें क्या करता है, पर्टिकुलर जहाँ एरिया जहाँ पर ट्यूमर है और आप सपोज करो आप उस ट्यूमर को निकाल नहीं पा रहे हैं या वहाँ पर रेडिएशन नहीं दे पा रहे हैं, रेडिएशन से ज़्यादा जो क्रिटिकल कंडीशन आ सकती है, ज़्यादा नुकसान हो सकता है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में हम कुछ केमिकल्स को इंजेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, और ये जो केमिकल्स है ये कैंसर सेल्स को किल कर देती है। अब केमिकल्स की बात करें तो कीमोथेरेपी में केमिकल्स के थ्रू थेरेपी करते हैं। इसमें विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन दो ये केमिकल हैं जिनको अमेरिका की एली लिली कंपनी ने, एक प्लांट है कैथरेंथस रोजियस,
तो कैथरेंथस रोजियस, इसको अपन सदाबहार प्लांट भी बोलते हैं, ये मेडागास्कर कंट्री का एक प्लांट है। इससे अमेरिका की एली लिली कंपनी ने ये जो दो केमिकल जो हैं ये एक्सट्रैक्ट किए और इन केमिकल को कीमोथेरेपी में यूज़ में लिया जा रहा है, इनको पेटेंट करा लिया कंपनी ने। तो इस तरह से ये जो केमिकल है, केमिकल्स के थ्रू कैंसर सेल्स को किल किया जाता है और इस तरह की थेरेपी को बोलते हैं कीमोथेरेपी। अब अगला जो थेरेपी का है टाइप, वो है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी क्या होता है, एक्चुअल में जो कैंसर सेल है वो कैंसर की ट्यूमर क्यों बना रही है, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन करके वो डिवाइड हो रही है, अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड हो रही है और ट्यूमर बना रही है। इट मीन्स उसको उसके अंदर सेल डिवीजन को एक्टिवेट किया जा रहा है। तो जो हार्मोन उसके अंदर सेल डिवीजन को एक्टिवेट कर रहा है, अगर उसका अपोजिट हार्मोन अगर अपन इंसर्ट करा दें तो वो हार्मोन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इट मीन्स हार्मोन का इफेक्ट जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और वो सेल डिवाइड नहीं हो पाएगी, यानी कैंसर की ग्रोथ को रोकने के लिए, कैंसर को और फैलने से रोकने के लिए हम कौन सी थेरेपी दे सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी। इसमें जो जिस हार्मोन से कैंसर सेल एक्टिवेट होकर सेल डिवीजन कर रही है उसके अपोजिट हार्मोन को अपन यहाँ ट्रीटमेंट में यूज में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो थेरेपी है वो इम्यूनोथेरेपी है। ये लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट थेरेपी है और इसमें क्या करते हैं, हम बाहर से बने बनाए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को बॉडी में एंटर कराते हैं और ये एंटीबॉडीज़ कैंसर सेल्स पर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। यानी ये जो थेरेपी है ये इंस्टेंट ट्रीटमेंट है, यानी कि जब कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है तो ये वाली थेरेपी में बाहर से एंटीबॉडी अंदर बॉडी में डालेंगे और वो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरह से ये 5 मेथड्स के थ्रू अपन कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो इनिशियल स्टेज में ही सक्सेसफुल है। अगर उसकी स्टेजेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसके जो चांसेस हैं पेशेंट के रिकवरी के वो वैसे वैसे कम होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ कैंसर में आपको एक ही सजेशन देते हैं कि सबसे पहले तो इसका प्रिवेंशन पर ज़्यादा फोकस करें कि कैंसर हो ही ना, और कैंसर ना हो उसके लिए हमको ये जो इस तरह के जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। कम से कम कोशिश ये करें कम से कम रेडिएशन के कांटेक्ट में आए। वैसे रेडिएशन हमारे चारों तरफ है, हम उनसे पूरी तरह से नहीं बच पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कम से कम रेडिएशन के कांटेक्ट में आए। पोल्यूटेंट है जो इंडस्ट्रीज़ के, उनसे हम थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, नहीं उनके कांटेक्ट में ना आए। फिजिकल एजेंट से हम बच के रहें, तो इस तरह से हम प्रिवेंट हो सकते हैं। और फिर भी अगर कैंसर किसी को है, अगर इनिशियली स्टेज में वो डिटेक्ट हो जाता है टेस्ट के थ्रू, तो हम उसको ये जो 5 थेरेपीज है इनसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पेशेंट रिकवर भी हो सकता है। तो अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखें और अपने घरों में ही रहते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बी सेफ स्टे होम।